हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल टूल्स एंड टेक्निक्स में। आज का वीडियो पावर टूल के ऊपर है। ये आप देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक इंपैक्ट ड्राइव टूल है डोंगचेन कंपनी की, जो गैरेज में काफ़ी काम की चीज़ है। तो इसका मैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू लेके आया हूँ। ये लाइट के ऊपर चलती है और इसके उपयोग से आप 22 नंबर तक के नट बोल्ट खोल सकते हैं और फिट कर सकते हैं। इस तरह का इसका पैकिंग आता है, आप देख सकते हैं, डोंगचेन प्रोफेशनल इसका पार्ट नंबर है। अभी हम इसको खोल के देखेंगे क्या क्या इसके साथ आता है। इसकी MRP देख लीजिए, 3480 रुपया है और ये 2018 में मैन्युफैक्चर हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है 220 वोल्ट, जो हमारी घर की बिजली है उसके ऊपर ये चलेगी। इम्पैक्ट ड्राइव टूल्स भी बोलते हैं इसे। तो इसे खोल के हम देखेंगे क्या क्या एसेसरी इसके साथ आती है। सबसे पहले यहाँ पे आपको केबल दिखाई देगी, इसके बाद हमारा प्रोडक्ट, इसे हम बाहर निकालेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप गैरेज में स्पीड से काम करें तो ये टूल्स काफ़ी उपयोगी है आपके लिए। जो मेरे भाई लोग गैरेज चलाते हैं उनको पता होगा इस गन का क्या उपयोग है और कितने काम की चीज़ है ये। इसके साथ ये कार्बन आते हैं एक्स्ट्रा, कंपनी इसके साथ एक सेट एक्स्ट्रा कार्बन देती है। ये आप देख सकते हैं, डोंगचेन कार्बन ब्रश। चलो अच्छी बात है, ये इसकी मैनुअल है, इसके अंदर इसकी पूरी जानकारी है। आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, रिवर्स और फॉरवर्ड ये गन दोनों तरफ से चलती है। इससे आप नट बोल्ट टाइट भी कर सकते हैं और लूज़ भी कर सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पे इसके अंदर की जो सारे पार्ट्स हैं वो किस तरह से लगे हुए हैं, अंदर क्या क्या चीज़ है, यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है। ये आप देख सकते हैं, इससे आपको रिपेयरिंग में भी आसानी हो सकती है। इसके बाद हम जो गन है उसे बाहर निकालेंगे। यहाँ पे डोंगचेन की ब्रांड लिखी हुई है, यहाँ पे उसका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये इसका पार्ट नंबर है और यहाँ पे लिखा है मेड इन चाइना। ये चाइना से बन के आती है लेकिन क्वालिटी इसकी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि चाइनीज़ है तो ख़राब हो जाएगी, अच्छा प्रोडक्ट है। इसके साथ ये आप देख सकते हैं, जो इसका ये भाग है इसके अंदर इसका आर्मेचर आता है और ये जो आगे का भाग है ये मेटल का है। इसके अंदर वो पूरा मशीनरी है जिससे आर्मेचर का जो पावर है वो ज़्यादा टॉर्क में कन्वर्ट होता है और जिससे हमारे नट बोल्ट है वो लूज़ हो जाते हैं। ये 18 नंबर का सॉकेट पाना है जो कंपनी इसके साथ देती है। इस तरह से रिंग को ऊपर करके इसके बीच में एक पिन लगा हुआ है, उस पिन को निकालना पड़ेगा तभी, ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे लगा हुआ होता है तभी आप इस पाने को बाहर निकाल सकते हैं। इस तरह से ये निकल जाएगा। इसके साथ आपको एक्स्ट्रा पाने लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नॉर्मल सॉकेट का सेट है जो टापर या वेनुस का आता है तो वो इसके अंदर आराम से लग जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको ख़रीदा है कि इसके साथ आपको और किसी एसेसरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे इसके कार्बन आते हैं। जब हमारी मोटर ख़राब हो जाती है तो यहाँ से हम इसके कार्बन चेंज कर सकते हैं।
दोनों तरफ एक एक आता है जो कंपनी ने हमको पहले इसके साथ दिया हुआ है। और इसका ये कंट्रोल स्विच है, इसके ऊपर यहाँ पे आर रिवर्स, एफ माने तो फॉरवर्ड, रिवर्स और फॉरवर्ड, ये इसका केबल है जिसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। मैं इसको खोल के दिखाता हूँ आपको। ये काफ़ी लंबा केबल है, तकरीबन 8 या 9 फीट लंबा केबल है, जिससे आपको काम करने में भी आसानी होगी। मार्केट में ऐसी जो हवा से चलती है एयर गन वो भी मिलती है, लेकिन उसके लिए आपके पास कंप्रेसर होना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने इलेक्ट्रिक खरीदी है, ताकि अगर आपके पास कंप्रेसर नहीं है तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये होल्डर का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है और केबल भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है और इसकी लेंथ भी काफ़ी है, जिससे हमको काम करने में बिल्कुल आसानी होगी। अब हम इसको पावर के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो हम इसे टेस्ट करके देखेंगे। इसके बीच में यहाँ पे फैन आता है, जिससे हमारा आर्मेचर ओवरहीट ना हो जाए। हम इसको चला के देखेंगे। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी तेज़ी से घूमता है ये रिवर्स, काफ़ी टॉर्क है इसके अंदर। इसके साथ ये कंपनी 18 नंबर का जो बॉक्स पाना है वो देती है, और ये पिन है इसकी, ये इसके अंदर लगती है इस तरह से। और इसके बाद इसके ऊपर ये रबर का रिंग आता है, जिससे जो पिन है वो निकल ना जाए और हमारा बॉक्स पाना है वो भी उसमें निकले नहीं। इस तरह से इसे लगाते हैं, ये देख सकते हैं आप, बीच में यहाँ पे फंस जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और आगे मैं ऐसे पावर टूल के वीडियो लाता रहूँगा जो हमारे गैरेज के काम में काफ़ी उपयोगी है। ये पिन इसके अंदर डाल देंगे, इससे ये काम करता है। मैंने इसका उपयोग 22 नंबर के पानी तक करके देखा है, लेकिन उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इससे अच्छा है कि आप इसके 18, 19 तक ही यूज़ करें। इससे ज़्यादा की नट ये खोल तो देगा, लेकिन उससे जो हमारी गन है वो जल्दी ख़राब हो जाएगी, तो इस बात का ध्यान रखें 18 या 19 तक ही इसका यूज़ करें, इसके ज़्यादा से इसका यूज़ ना करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।